जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं राना शाहिद साहब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, और ये वो आए हैं अपने फेसबुक पेज पे। तो ऐसे अचानक मेरी नजर पड़ी कि ये कौन सा है, ये क्या कर रहा है। वो कहते हैं मैं तो टीवी का होस्ट हूँ और एक वहाँ पे कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जो भी लोग दुनिया में किसी भी जगह कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, आई लिसन टू देम राइट अवे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो, आप इनसे थोड़ा सा पूछते हैं अपने बारे में बताएं। जी राणा शाह साहब, आप ये बताएं, इन केस आप मुझे पहली दफा आवाज कर रहे हैं, तो माय नेम इज मोहम्मद सिद्दीक, आई एम फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट, ओके। कि दुनिया में आप किसी भी जगह, आप अटलांटा और ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हैं आपस में, ओके। यू हैव टू गो द अदर वे अराउंड टू द वर्ल्ड बेसिकली, या दूसरी साइड से आप कनेक्ट करते हो। तो फिर भी ये 17 घंटे की फ्लाइट बनती है अटलांटा से, कम बल्कि 20 घंटे की। तो लेकिन इसके साथ हम साथ साथ बैठे हैं, कोई पावर, ये पावर है। तो राणा साहब आप ये बताएं कि आप इस काम में, ये 2 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी, आपको पता है टीवी पे टाइम का बड़ी वो होती है, 22 सेकंड्स, आप 2 मिनट और लेस, आपकी क्या लाइफ की स्टोरी है, किसने आपको इंस्पायर किया, कहाँ पे थे, कैसे करते करते आप यहाँ पहुंच गए। 2 मिनट, 2 मिनट और लेस, गो फॉर। देखिए, पाकिस्तान का एक शहर चिश्ती है जहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फिर कराची से मैंने तालीम हासिल की और मास्टर्स और लॉ, और फिर ये मैं अपना यहाँ पे तालीम के शोबे से वाबस्ता हो गया और हेड ऑफ केमिस्ट्री कराची। 150 साल पौने 200 साल पुराना इदारा है कराची में, कराची ग्राम स्कूल जैसे एचिसन है, तो मैं उसमें हेड ऑफ केमिस्ट्री था। फिर यहाँ पे कुछ दोस्तों ने मुझे, मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे मेंटोर भी हैं, उनका नाम नजर खान साहब है जो पर्थ में होते हैं, जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इंस्पायर किया। मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया और यहाँ आके मैं रेडियो के साथ वाबस्ता रहा, कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया हमने। यहाँ पे उर्दू मुशायरे की रिवायत डाली, फिर एक उर्दू का पर्चा निकालते हैं हम पहचान इंटरनेशनल, वो आप अब सपोर्ट उसकी। करना, मैं पहचान लोगों को दिखा देता ताकि वो भी इसको पहचान सके। फेसबुक पे जाएं, उनका पेज लाइक करें, ओके। आई लाइक दैट ऑलरेडी, लुक एट दैट वन, ओके। सो ही हैज बहुत माय लाइक, शुक्रिया। पहचान इंटरनेशनल, ये है facebook.com/पहचान.international। आप देख रहे हैं अभी दैट मेनी पीपल, हाउएवर इट्स अबाउट ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल एंड द कम्युनिटी। दे आर हेल्पिंग एंड यू नीड टू कनेक्ट विद देम एंड एक्चुअली हेल्प देम टू गेट कनेक्टेड विद यू, बिकॉज वंस वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, दैट्स व्हेन द थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट, ओके। तो जी जी आपकी बिल्कुल, प्रमोशन होगी। जी बहुत शुक्रिया। अब यानी मैं समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कम्युनिटी का काम हो रहा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब लैंग्वेज, क्रीड, कास्ट, क्रीड और मुल्क, हमें उसका साथ देना चाहिए। और खास तौर पे जिन मुल्कों में हम आके बस गए हैं जी वहाँ पे हमें कम्युनिटी के लेवल पे इंटीग्रेट भी होना चाहिए, और बिल्कुल उनके, चूंकि इंसानियत जो है वो सबकी सांझी है और बिल्कुल उनके दुख भी सांझे हैं और बिल्कुल उनके मसाइल भी, खुशियां भी सांझी हैं, तो एक जी दूसरे के साथ मिलके। मुझे याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि यहाँ पे एक पंजाबी कम्युनिटी है सिखों की, जिन्होंने एक रेडियो बनाया है सांझी आवाज, सांझी तो आवाज, मैं बड़ा बड़ा सांझी खूबसूरत आवाज नाम है, सांझी आवाज। हाँ जी, तो उसके जो होस्ट हैं, मैंने उनका उन्होंने आज दावत दी है कि कल शाम को मैं और एक और कम्युनिटी लीडर, मैं तो उन्हें कहता हूँ आयशा बख्श, तो हम दोनों मिलके उनके प्रोग्राम में जाएंगे। और उन्होंने हमें आज मधु किया है कि हम ये देखें कि बच्चों का जो अब्यूज हो रहा है उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, उनको कैसे बचा सकते हैं। वंडरफुल मैसेज, वंडरफुल मैसेज, बहुत अच्छा है। तो आप जो, आप ऑस्ट्रेलिया से वाच कर रहे हैं ये प्रोग्राम में, क्योंकि इसको तो पूरी दुनिया से लोग वाच करते हैं, आपकी बड़ी इंप्रेसिव स्टोरी है, मेरी माइंड इज वेरी वेरी बोरिंग। ना 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 ना, मैं आपको शुरू दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जब आप रहीम यार खान या सादकाबाद की जो सब्जी मंडी थी और जिसमें आपने ये काम किया, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे और आपकी कोशिश से, और अच्छा जितनी ग्रूमिंग आपने अपनी की है हाँ वो एक हैरत अंगेज स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि आप सामने बैठे हुए हैं, हाँ मैंने, मेरा सन इन लॉ है डॉक्टर सलमान, आज ही मैंने उसको कहा जब मैंने वो देखा कि जी वो आइस ब्रेकर आपने जो शेयर किया, तो मैंने उसको फौरन लिंक भेजा। मैंने कहा इसको फौरन देखो, तुम यंग हो, तुम जरा इंट्रोवर्ट हो, तो तुम्हें ये फौरन देखना चाहिए। और आइस, मैंने कहा ये, फिर मैंने बताया, मैंने कहा तुम जानते हो ये सिद्दीक साहब कौन है, कह लगे हाँ वो शुरू में कभी वो मैंने उनके बारे में से, मैंने कहा ना ना, ये वो सिद्दीक साहब हैं जिन्होंने अपना सफर जो है, जिंदगी का सफर, सादकाबाद या रहीम यार खान की सब्जी मंडी से शुरू किया, और ये वो फखर से बताते हैं इस बात को। हाँ जी और बिल्कुल मैंने कहा, मैंने बिल्कुल फिर उन्हें ये आपकी एक और बात उसके साथ शेयर की, मैंने जी कहा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक साहब से मिलने से इनकार कर दिया, और सिद्दीक साहब उनसे सिर्फ एक चीज पूछते थे कि ठीक है मुझे आप ना मिले, लेकिन मुझे एक बात बता दें कि व्हाई डिड यू रिफ्यूज मी।
तो मैंने कहा उससे वो ऐसा लेसन लेते थे कि वो बात वो आइंदा रिपीट नहीं करते थे। तो मैंने कहा ये इस शख्स ने लम्हा बलम्हा मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को इम्प्रूव किया है, और हर शख्स से मैंने कहा इतना तैयार होके ये जाते हैं किसी शख्स से मिलने के लिए, इतना प्रिपेयर होके जाते हैं। मुझे याद आती है जावेद चौधरी की बात कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा बड़ा मशहूर राइटर है अमेरिका में, उससे एक दफा मिलने के लिए गए तो जिसके पास बड़ा यानी वक्त मुश्किल से मिलता है, तो उन्होंने कहा जाके तो मिलने के लिए, वो बताया कि जी मैं जावेद चौधरी। उन्होंने कहा यार ये सारा कुछ मैं तुम्हारे बारे में पढ़ चुका हूँ कि तुम जावेद चौधरी हो, तुम बात करो कि तुम आए किस लिए हो और मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए कि हमारा टाइम कीमती तो इसलिए यानी लोगों से जो, और खास तौर पर मैं तो कहता हूँ कि कोई आदमी छोटा नहीं होता, जैसे अशफाक अहमद कहते थे कि भाई ये वो बाबा, भाई वो रेडी वाला भी उनके लिए बाबा होता था जो जो एक अहम बात बता देता, एक अहम बात। तो यानी आप देख लोग एक हदीस को इकट्ठा करने के लिए मीलों का सफर तय करते थे। तो मैं कहता हूँ कि एक अहम बात भी अगर मैंने सिद्दीक साहब से सीख ली तो सिद्दीक साहब मेरे उस्ताद है। ये राणा साहब आपने तो मुझे वो कर दिया, जब वो डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गया मुझे उनको स्टार पास की काफी बाय करके देनी पड़ेगी, आपने तो उनको मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है। और बाय द वे इन केस यू आर वाचिंग दिस, दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम वी जस्ट मेट, वी डोंट नो ईच अदर एट ऑल, एंड ही प्रोबब्ली नोज मोर अबाउट मी व्हाट आई रिमेंबर अबाउट माय सेल्फ। राणा साहब ये मुझे तो यही लग रहा है जैसे एजेंसी वाले आपके बारे में डेटा इकट्ठा कर देते सारा। देखिये बात यह है सिद्दीक साहब की जो खूबसूरत बात होती है, देखे ना यानी आप कहीं से गुजरते हैं खूबसूरत सीन याद रह जाता है, खूबसूरत लोग याद रह जाते हैं, तो खूबसूरत बात कैसे याद नहीं रहेगी। ये बुनियादी तौर पे जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर वो रिसीवर हमारा अपना ऑन रहना चाहिए कि जो अच्छी बातों को पिक करता रहे। अच्छा राणा साहब आप ये बताएं बात अब तुमने की, जो लोग आज कल की करते हैं आपस की छोड़े बातें आपस की, हु केयर्स अबाउट मी एनीवे, व्हाई वी विल टॉक अबाउट आवर सेल्फ, इट डज इट डज। अच्छा आप ये बताएं कि जो ऑस्ट्रेलियन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी, जो मेरे जैसे अदना से बिल्कुल इडियट लोग अमेरिका में बैठे आपस में कुछ हम ऐसे कोलैबोरेशन ऐसी सेट करें, हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनका नंबर वन चैलेंज क्या है और उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे चंद एक चैलेंजेस हैं हमारी कम्युनिटी को। एक तो है कि हमारी यहाँ पे अमेरिका के मुकाबले में यहाँ पे कम्युनिटी बहुत छोटी है, और उन छोटी होने की वजह से इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़ी एजुकेटेड कम्युनिटी आई है। अफगान कम्युनिटी भी है यहाँ पे जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। नंबर वन चैलेंज जो है वो बच्चों के बारे में है, और बच्चों के बारे में उनकी देखिए उनकी तरबियत का इशू है, उनकी तालीम का इशू है, वो वैल्यूज जो वहाँ पे बड़े जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आई थी उनकी, उनको अपनी वैल्यूज जो है वो अपने सामने टूटती हुई नजर आती है, तो वो वैल्यूज को अपने साथ इंटेक्ट करना और अपने बच्चों में वो चीजें पाकिस्तान से वाच कर रहे हैं, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फॉर एवरी ओवरसीज पाकिस्तानी इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज द सेम इशू। ओके दिस इज ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका वाले अमेरिकन से परेशान है, कैनेडियन वाले कैनेडियन से, मिडिल ईस्ट से परेशान है, तो बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के ये हिडन मसाइल जो आपको पहले पता नहीं है, नाउ यू नो द चैलेंज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व इट वेरी सून। द नंबर टू और नंबर टू ये है जी के जब यहाँ पे हम आके सेटल होते हैं तो हम सोसाइटी में एक हद तक इंटेग्रेट नहीं हो पाते, हमारी एक आइसोलेशन जो है वो हमें एक आइलैंड में रखती है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोजर कम हो जाता है। आपको इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपकी होमलैंड है, जहाँ से आप आए हैं वो आपकी मदरलैंड है, यू हैव टू लव बोथ कंट्रीज। ओके दोनों की अपनी अपनी जगह है, आपको उसको इंटीग्रेट करोगे तो आप बिल्कुल पीसफुली रहोगे, वरना बड़े मसाइल है ये जो बच्चों के मसाइल है, ये भी आपके अपनी नॉन इंटीग्रेशन से मसाइल जनरेट हो रहे हैं। तीसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे नहीं जाते, हालांकि यहाँ पे इन मुल्कों में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। राणा साहब दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन हेल्प अ लिटिल बिट। ओके दैट्स माय जी बिल्कुल, इसमें आप बहुत ज्यादा हेल्प कर ऑलरेडी कर रहे हैं आप। अच्छा आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आपका जो भी कोई प्रोग्राम है, आई एम विलिंग टू वॉलंटियर माईसेल्फ एंड शेयर द मैसेज। ओके बिल्कुल ठीक, आपका जो ऑनलाइन है, पेज पे है, जैसा भी जो भी आपका न्यूज़लेटर है, जो भी आपका कम्युनिकेशन, मैं इसको यहाँ पे पॉपुलेट करूंगा और इंशाल्लाह जो यहाँ पे जो लोग हैं, हमारा एक हल्का है, हमारे जो जानने वाले हैं और जो मेरे साथ इन टच हैं,
मैं उनसे फीडबैक लेके तो वो कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके तो आप नेक्स्ट 3 मिनट में सारी डिटेल बता देता हूँ उसकी, ताकि साहब को ये वाच कर रहे होंगे जिनको भेजेंगे वो खुद ही पता चल जाएगा मैसेज क्या है। बहुत क्विक कम्युनिकेटर हैं, थिंग्स आर ऑन योर फिंगर टिप्स। और जो आज आपने बात की थी उस आइस ब्रेकर में कि ये एक्चुअली रेपिटेशन की वजह से होता है, तो जिन चीज में हमारे कोई भी लोग ये समझें कि जी हमने बात करने में दिक्कत होती तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लें यार उसकी, यहाँ कोई मसला ही नहीं बिल्कुल। अच्छा अब ये है कि वी आर ऑन द मिशन टू एम्पावर 1 मिलियन ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल, सो दिस कुड बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो लोग हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं वो मिलियन हमें चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहते हैं लोग तो कॉपी करते हैं ना पाकिस्तान में, आई एम अलाउइंग यू गिविंग यू 100% परमिशन टू कॉपी मी एंड इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कॉपी मी टू, तो इसमें मसला कोई नहीं है। लोग तो ऐसे चोरी करते हैं, चोरी क्या, मैं आपको खुद देने को तैयार हूँ, इसमें मसला कोई नहीं है। आप फ्री शुरू कर सकते हैं बिल्कुल 0 पैसों से ऑनलाइन, आप उसका कोर्स का नाम है आई एम टीचेबल कोर्स, फ्री शुरू करें उसको, बिल्कुल कोई पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद जब उसके ऐसे 2-3 घंटे में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपने आप को, आप यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन। अगर उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहें तो हम एक दफा $10 वन टाइम $10 अमेरिकन, ये चैरिटी का काम है, इसमें मेरी जेबें नहीं जा रहे हो, और क्योंकि इसको रन हर काम के लिए चैरिटी के भी एक्सपेंस होते हैं, वी ऑल नीड टू नो दैट पार्ट, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल स्पेशली जिस के पे हम काम कर रहे हैं इसमें काफी सारे एक्सपेंस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ $10 आप एक दफा चैरिटी को डोनेट कर दें। ओके, पहला कोर्स फ्री कर लें, देखें उसके बाद पसंद आए तो कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई बात नहीं, वी कैन पार्ट एज ए फ्रेंड, ओके कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसको $10 डोनेट करके फिर अगला कोर्स करें, फिर उसके बाद ऑनलाइन पैसे कैसे बनाते हैं 100%, we give you a 100% scholarship, you don't need to even pay anything. It's like crazy. Imagine करें आपने PhD की हुई है, क्योंकि आप chemistry के head से कर रहे थे, उससे I was listening to every word, okay? तो अगर PhD वो आपको free में करा देते scholarship पे 100%, एक पैसा आपका ना लगता, फिर कहते जब आप कमाओगे तो $100 बाद में वापस कर देना, तो कितना अच्छा होता। पाकिस्तान में PhD की लाइन इतनी लगी होती कि आप वहां से निकल भी ना सकते। जी हम कर रहे हैं, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस, व्हेन यू एक्चुअली सक्सेसफुल एंड देन यू कैन डोनेट $100, वो सारी डिटेल उसके अंदर है। अगर आप सक्सेसफुल किसी वजह से नहीं हुए तो ब्लेम अस नॉट यू, व्हाई, बिकॉज वी आर सो वीक, वी कुडंट ट्रेन यू इनफ, ओके। तो फिर आपको कोई पैसे नहीं देने चैरिटी को, इससे गारंटी बड़ी क्या हो सकती है, और आसान तरीका और फ्री क्या हो सकता। अच्छा वो कौन सी स्किल हो सकती है जो आपकी स्किल है, बात करनी आती है, यू कैन डू अ वॉइस ओवर, आप टीवी से हैं, अगर आपको बोलना आता है तो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती है इधर ऑस्ट्रेलिया में तो मसला नहीं होगा, पढ़ने लिखने का, बोलने का भी मसला नहीं होगा, पाकिस्तान में लोगों को बोलने का मसला, यहाँ तो वो मसला हल हो जाता है एवेंचुअली विद टाइम। तो आप लोगों के ऐसे लिख सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं इसमें, बिलियंस एंड बिलियंस, बी फॉर बिलियंस आ रहे हैं, बी फॉर बॉय जैसे कहते हैं, आई एम मिलियन की बात नहीं कर रहा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बीइंग मेड ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आप सेल्फिश हो जाएं, उसको मैक्सिमम कैप्चर करें और आप बनाएं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, टीचर भी शो अप है, ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, जो दुनिया के बेस्ट मेंटर हैं एटलीस्ट इन माय ओन ओपिनियन, वो भी अवेलेबल है आपको टीच करने के लिए। यूनिवर्स मिसिंग यू आर वॉचिंग दिस, यू नीड टू टेक एक्शन, उसका लिंक है इसके साथ के नीचे, अगर आपको नहीं किसी लिंक नजर नहीं आया तो मैं ये बताऊंगा लोअर थर्ड में, ये मेरे नाम के नीचे आपको नजर आ रहा है लिंक होगा, उसका नाम है meetsiddiq.com/start। आप उस स्टार्ट पे जाएं और क्लिक करें और ये आपका ये शुरू हो जाएगा, आप आराम से करते रहें इंशाल्लाह, फिर उस तरह उसके थ्रू आपको मेरी इस रेड शर्ट में आपको इतनी दफा मुलाकात होगी आप परेशान हो जाएंगे मेरे रेड शर्ट से, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट यू, बिकॉज वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल। अब बड़े हो रहे हैं, बाल भी सफेद हो गए, गिर भी रहे हैं, बिफोर वी गो वी वांट टू हैव अ मिलियन पीपल डूइंग इट, एंड यू आर नॉट आवर फर्स्ट विक्टिम, लेट मी टेल यू, फ्रॉम पाकिस्तान अलोन वी हैव 180,000 स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड जस्ट 2 ईयर्स गो, वी आर जस्ट गेटिंग, और हम का मिशन है तो मिलियन में, अभी आप जो मिसिंग नंबर है वो आप रहते हैं, वाच कर रहे हैं, तो प्लीज आप आए ज्वाइन करें, आए लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक ए ह्यूज सक्सेस फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, एंड आपको सिर्फ ये करना है कि आपको डू व्हाट यू से, दैट्स इट, नथिंग एल्स, आपने कहा ना मैं यहाँ करना है, फिर आपने करना है, अगर आपने नहीं करना तो इसको वीडियो को छोड़ देंगे, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम विद अस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वाचिंग, देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, यू नो। तो जी राणा साहब, ये मेरे मैसेज क्लियर इनफ है, सिंपल है या नहीं? नहीं जी, आपका कम्युनिकेशन माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है और ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, चूजी वर्ड होते हैं, चूजन वर्ड होते हैं, तो विच कम्युनिकेट द मैक्सिमम विद इन मिनिमम पॉसिबल। तो और ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या हेल्प कर सकते हैं, देखिए मैं तो आई एम हियर एट योर डिस्पोजल,
बताएं और क्या मैं क्या कर सकता हूँ, वो सांझी आवाज में भी अगर मेरा कोई मैसेज देना चाहे मैं पंजाबी भी बोल लेता मेरे हूँ। ख्याल में मैं आपको देखें कल शाम को सात से वो आपका ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे, वीडियो पे ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ वी कैन मेक इट आई कैन मेक माई सेल्फ अवेलेबल दैट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट यू नो जी ठीक है स्पेसिफिक्स, वो फिर तो प्राइवेसी का इशू भी आ जाता है ना उसमें। जी 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 हाँ लेकिन बार है वो यानी यहाँ प्रोग्राम है आपका वो जो भी जाता है वो आप उसमें क्लिप छोटा लेना, जितने सेकंड बताएंगे उतने सेकंड में मैसेज डिलीवर हो जाएगा, मिनिमम 8 सेकंड। ये तो खैर आपका कमाल है, यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपके काम में ये मसला है जी, वो ये एक मिनट का सवाल पूछे तो 10 मिनट बोलता रहा बंदा, आप मुझे सेकंड बता दें, एक वर्ड मैं नहीं बोलूंगा बल्कि एक सेकंड आपको बचा दूंगा, काम नहीं करूंगा। No, that's you're a very calculated person. I'm following you for the last few couple of years. आप जैसे जो और community में लोग हैं आपका उनके लिए क्या message है? They should contact us or no? They should not contact us. आप जैसे नहीं वो contact कर सकते हैं। देखें हम तो basically यहाँ पे आप भी अपनी जगह global level पे community का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो मेलबर्न की सतह तक आप जैसे लोग जब इकट्ठे नहीं होंगे ना ये काम होगा भी नहीं कभी। मैं तो लोग मैं तो सोच भी नहीं सकता अकेला करने का, मैं तो कभी सोचा भी नहीं अकेला करने का, ये सारा काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं। हाँ अपना छोटा 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 अपना वो दिए से दिए चलता है, छोटा छोटा काम कर रहा लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं असल में ये देखता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आती कि हाउ डू यू मैनेज टाइम, यानी ये एक बहुत बड़ा question. ठीक है, मेरे पास इतना फ्री टाइम आप सोच भी नहीं सकते। ये भी कमाल है, इसलिए कि आपको अपनी अपना रोटी रोजी कमाने के लिए भी आपको अपना उसमें भी बल्कि मैं ये बताता हूँ यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ओके व्हाट एवर इट कॉस्ट हू केयर्स लर्न करें, वंस यू लर्न एनफ एंड यू आर कंफर्टेबल देन यू एड द ई कंपोनेंट दैट्स अर्निंग. When it comes to earning, be 100% selfish. I mean, 100% selfish. अगर आप अपने आप को 1000% selfish करना चाहते हैं, वो भी कर ले, कुछ नहीं होता. And here is my definition of being a selfish. You under promise and over deliver. That's it. इसकी वजह मैं बताता हूँ. जो भी आप promise करें, under करें और over deliver करें. वजह क्या है? जो आप किसी को under promise करेंगे, over deliver करेंगे, client आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं. तो you make the most money. Okay? That's the definition of being a selfish. Selfish मतलब नहीं पैसे लेके काम नहीं करना. वो selfish नहीं है. वो तो एक दफा ट्रांजेक्शन की दोबारा नहीं आएगी आपके पास. नंबर वन, जब वंस यू अर्न एनफ देन ऐड द जी कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड गिविंग बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड हंबल टू शेयर विद यू आई एम इन अ जी राइट नाउ वी आर ऑन दिस कॉल ऑन अ जी मोड ओके लर्न एनफ लर्निंग नेवर एंड्स यू आर अ स्टूडेंट फॉर लाइफ लाइफ इज लर्निंग इज फॉर एवर यानी मैंने बहुत पढ़ ली है पीएचडी कर ली भाई यू नो यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड रियली व्हाई पीएचडी के बाद तो असल में एप्लीकेशन का टाइम तो आप आया पढ़ने का क्या फायदा अगर आपको अप्लाई नहीं करना तो दुरुस्त ठीक है अब लेकिन अर्निंग भी कभी नहीं छोड़नी अगर आप अर्निंग छोड़ दोगे तो खुद चैरिटी पे चले जाओगे सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी आप कुछ करनी है फिर आपने गिविंग बैक करनी है तीन लाइफ आपकी यही जिंदगी है ब्लैक फार्मूला है ये अभी बुक इज अपकमिंग बुक इट्स कमिंग सून एंड वी आर पब्लिशिंग अनदर बुक आई एम कॉथर ऑफ अनदर बुक द न्यू सक्सेस सीक्रेट्स इस सक्सेस को अगर आपकी अगर आपको नजर आता है कि थोड़ी बहुत सक्सेस है एंड आई हैव नो आईडिया एज आई सेड आई एम जस्ट स्टार्टर Just getting started and I'm a student for life. So, मुझे आप expert तो कह ही नहीं सकते किसी बात में okay? तो क्योंकि आप कहेंगे मैं मानूंगा ही नहीं वजह ये ईगो तो मुझे चाहिए ना बिल्कुल वो तो आपके जो वर्स्ट एनिमी है वो आपकी ईगो है असल में वही आपको खराब करती है तो आपको ये कि वो लैक फार्मूला पे है न्यू सक्सेस सीक्रेट्स है ये जो सारा सिस्टम चला है ये कैसे टाइम मैनेज कर लेते कैसे कर लेते ये सारा कुछ न्यू सक्सेस सीक्रेट बुक में है अच्छा दुनिया में दो अगर चेंज जब आती है ना देयर इज ओनली टू इवेंट्स व्हेन द चेंज कैन हैपन एक तो नियर डेथ एक्सपीरियंस है लेट मी गिव यू द एग्जांपल अगर कोई स्मोकर को जब कोई बाईपास का मसला आता है तो स्मोकिंग कब छोड़ता है जब वो उधर पड़ा होता है वो कहता है बस के बाद अब नहीं करने डॉक्टर ने कहा सिर्फ हफ्ता ही बचेगा साल लगेगा दो साल लगेंगे दैट्स कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस आप रोड पे खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट होता है बड़ी मुश्किल से बचे और उसके बाद कहता है कि मैंने सीट बेल्ट हमेशा पहनना है इससे पहले मैं वो लोग का देता नियर डेथ एक्सपीरियंस अगेन ओके एक और वजह जैसे आप चेंज ला सकते हो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम स्पोर्ट आप अकेले काम नहीं कर सकते हम इंसान इंसान के साथ ही काम कर सकता है तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस का उसको तो छोड़ दें अल्लाह किसी को भी उस चीज पे ना लाए ओके और जो स्ट्रॉन्ग टीम स्पोर्ट है वो इकट्ठे काम करने से आती है वो कभी नहीं आती इसके अलावा
आप लेग फार्मूला को देखें और स्ट्रांग टीम स्पोर्ट देखें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जब लर्न करेंगे तो आपको चुगली की आदत भी खत्म हो जाएगी और आप जो स्ट्रेट टू द पॉइंट है बात करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे ये बड़ा रूल लगता है, आपने सवाल वाले भी पूछा, कोई बात नहीं, वो जो रूल लगता है जिसको ये रूल लगेगा वो आपको चाहिए नहीं आपकी लाइफ में, आपको अपने जैसे लोग चाहिए होते हैं। तो आप 100 में से 1 बंदा काम का होता है वो जो इस बात को माइंड करता है, ऐसे मेरा हाल वाले ने पूछा, वो तो मुझे 99 को स्किप करना है, यही तो फार्मूला है स्किप करने का हम लोगों को, 100 में से 1 ने काम करना है, बल्कि 500 में से भी 1 है, बल्कि जब आप कहते हैं ना वो बंदा नहीं नहीं ये बड़ा रूल है सदीक तो बहुत, ये फजूल है ऐसे है बड़ा, जो मुझे कहते हैं आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई करें, मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल ठीक। 49.9% हेटर चाहिए होते हैं, देन यू स्टिल बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ओके, इमेजिन दैट। सो हियर इज हाउ सीक्वेंस वर्क्स, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे क्रिटिसाइज यू, देन दे हेट यू, मोर हेटर्स यू हैव यू आर राइट एंड यू आर सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू, यू नीड मोर हेटर्स एवरी डे इन योर लाइफ, नॉट फॉर द रीजन यू आर ऑफेंडिंग समबडी, आई आस्क फॉर काइंड फॉरगिवनेस, आई नेवर ट्राई टू ऑफेंड एनीवन फॉर माय लाइफ, ओके, और कोई ऑफेंड हुआ है आई आस्क फॉर पब्लिकली अपॉलोजी एंड आई नो कंडीशंस, मेरे से गलती होगी, मैं भी ह्यूमन हूं बाय द वे एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर गलती होगी तो आई आस्क फॉर काइंड फॉरगिवनेस, लेकिन जितने अगर हेटर नहीं आएंगे वो आपको मेक श्योर करेंगे कि आप लाइन में रहो सीधे चलो, वो आपकी हर चीज को कंज्यूम करेंगे, उसमें से कीड़े निकालेंगे, आपको उसको सुनना जरूर है, अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी है, दे गिव यू द क्रिटिसिज्म फॉर फ्री, दे गिव यू कोचिंग फॉर फ्री, दे गिव यू बिजनेस कंसल्टिंग फॉर फ्री, यू नीड हेटर्स टू स्टे ऑन योर लाइन, एंड बल्कि मेरी जिंदगी में तो हर रोज हर घंटे आ रहे हैं, तो ये भी बता दूं, एंड आई लव देम ऑल ऑफ देम, मुझे कोई मसला नहीं, माँ बहन की आप सोच ही नहीं सकते कितने लोग गाली देते, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप ऐसे ऐसी मैं सुना दो, आप पब्लिकली आप सुना भी सकते अपने बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो स्ट्रांग, वो पब्लिकली इससे कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, मैं कंप्लेन करता ही नहीं हूँ, अफसोस पता किस चीज का है, ये नहीं है कि उसने मुझे गाली दी है, कुछ नहीं होता ऐसे, अफसोस ये है कि मेरे इतनी मेहनत करने से भी, मेरी पूरी टीम की मेहनत करने से भी उसके दिमाग पे मैं उसको पॉजिटिव नहीं चेंज ला सका, ये मेरी वीकनेस है, आई एम स्टिल वीक, आई नीड मोर हेल्प ऑन दैट, दैट्स व्हाई वी नीड कनेक्ट पीपल, ताकि सारे मिलके करेंगे, शायद वो किसी न किसी की बात समझ आए। टाइम के बारे में मुझे बताएं आप कैसे मैनेज करते हैं ये, एवरी मीटिंग स्टार्ट्स ऑन टाइम एंड एंड्स ऑन टाइम एंड एवरी आवर देयर आर 3 मीटिंग स्केड्यूल, नो मीटिंग कैन बी मोर देन 15 मिनट्स ऑफ एनी काइंड पीरियड, मुझे ये बताइए कि आप अपना यानी कैसे टाइम आप अपना मैनेज करते हैं, सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं अलोंग विद योर ब्रेड एंड बटर, वो एक मिनी स्लीक क्लास है, मिनी स्लीक मास्टर क्लास है, वो अभी शुरू की है, उसमें जो उन स्टूडेंट्स को मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ कि क्या मसला होता है, कैसे चलाते हैं सारा कुछ, वो पब्लिकली सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दे वॉच मी प्राइवेटली टू, जो मुझे गालियां देता है उसको भी मैं उनको दिखा देता हूँ, जो मुझे वॉइस मेल छोड़ता है वो भी दिखा देता हूँ, जो मीटिंग मिस हुई है वो भी दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने क्लाइंट को मिस हैंडल कर लिया वो भी दिखा देता हूँ, उससे वो सीखते हैं सारा कुछ, वो मिनी ये बाजू का ये ख्याल होने लगता है कि सिद्दीक साहब ने बाकी सारे काम छोड़ दिए हुए हैं, या तो ये उन्होंने कोई अपने यानी चीजें कुछ ऑफसेट कर ली हुई हैं जिसकी वजह से उनकी अर्निंग जो है, सारे काम चल रहे हैं, सब कुछ वैसे के वैसे चल रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स, अर्निंग नेवर एंड्स, बिकॉज़ इफ यू एंड द अर्निंग यू विल गो ऑन अ चैरिटी योरसेल्फ, यू कैन नॉट रन अ चैरिटी, दुरुस्त, और उसमें गिविंग बैक ऐड, ये आप जब जो व्यर फेस आप पब्लिकली देखते हैं सिर्फ गिविंग बैक वाला पोर्शन है, बाकी चीजें आपको तो नहीं पता होगी ना, लर्निंग की थोड़ी बहुत देखते हैं जिसमें लोगों के इंटरव्यू करते हैं लाइव, मतलब उसे वो मैं भी स्टूडेंट बन के सीख रहा हूँ, मैं आपने देखा मैं कभी गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करता, क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑन दैट शो, आई एम नॉट अ होस्ट, दुरुस्त, वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंस्टेड ऑफ प्राइवेटली लर्निंग आई एम लर्निंग पब्लिकली, सो पीपल कैन जॉइन इन द कन्वर्सेशन, दैट्स ओनली थिंग, कोई भी वाच ना करे मुझे उसको स्टॉप नहीं कर सकता, मैंने फिर भी गेस्ट को लेके आना, आई एम जस्ट लर्निंग पब्लिक, मेरे ख्याल में यानी यहाँ पे हम भी एक यानी हमारी कोऑपरेशन के साथ भी कुछ थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैं आपका थोड़ा सा कभी टाइम लेके तो यहाँ भी की ऑडियंस को ऑल्दो इट विल बी ओपन फॉर द होल वर्ल्ड बट लेकिन वो उसको प्राइमरीली हम यहाँ पे उसको एंगेज करेंगे, आप कोई इवेंट आपका हो जिसमें आप इवेंट अरेंज करते हैं, सो आई डोंट गो फॉर स्लीप, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई डोंट स्लीप, स्लीप इज ओवररेटेड, मेरा जो मेंटर है टी कैट हाउजर वो इज ऑथर ऑफ 56 बुक्स, वो कहता है नेवर गो फॉर स्लीप, देयर इज एनफ टाइम टू स्लीप व्हेन वी आर डेड, सो डोंट गो फॉर स्लीप, स्लीप इज ओवररेटेड, आई जस्ट गो फॉर पावर नैप, अच्छा आई एम नॉट ट्रेंड येट, 15 साल से सीख रहा हूं, स्टिल आई एम नॉट ट्रेंड, वो हर 90 मिनट की स्लीप करता है 5 दफा दिन में, नंबर ऑफ आवर्स उतना ही है बॉडी को जो चाहिए, कोई फिजिक्स को चेंज नहीं कर सकते ना,
लेकिन वो 5 दफा डिवाइड करके करता है. ऑफकोर्स उसके भी क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर है वर्ल्ड वाइड. अच्छा, क्योंकि जब आप 1.5 घंटे के लिए सोएंगे तो 2 घंटे में आप अपना मैसेज भेज चुके होंगे ना, सोचे ना जरा इसके. अगर आपने देखे ये छोटी सी मैंने क्लू बताया, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड आपके क्लाइंट्स, आजकल की दुनिया में तो सारा ऐसा ही है ना. आपने मैं सो रहा था, ये क्या बात हुई, सोने का क्या मतलब है क्लाइंट को, तो क्लाइंट के लिए तो ये मीनिंगलेस बात है. या तो ये आपको थोड़ा सा हिट मिल गया, यू नो. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नैप, पावर नैप जिसको कहते हैं. लेकिन ये इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है. बिल्कुल ट्रेन करना पड़ता है. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम नॉट परफेक्टेड यार. वो अभी भी मुझे पुश कर रहा है कि ये क्या कर रहे हो. मैंने कहा भाई मेरे का बीवी भी है, तेरी नहीं है तो मैं क्या करूं, ठीक है. लेकिन डिपेंड करता है एक्चुअली आपके आपके बिजनेस के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके क्लाइंट्स के ऊपर. yes, वो आप वो... जैसे जो और होस्ट हैं उनको भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ आए. आप उनको क्या कैसे इनवाइट करेंगे, आप अपने आप जैसे जो और कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं. देखिए कल मैं उस रेडियो शो पे जा रहा हूँ तो वो उनसे भी आपसे वहाँ पे आपसे बहुत सारे लोग वाच करेंगे, क्योंकि जो आपके जो कम्पेटिटर या आपके एसोसिएशन में जो लोग वाच करते हैं आप उनसे बात करें इस वीडियो में. मैं इस डॉक्टर अपना सिद्दीक साहब के प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने तमाम दोस्तों को और ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न के हैं, जो रेडियो के हैं और जो अखबारात से मुंसलिक हैं, और हमारे सिडनी में, ब्रिस्बेन में, पर्थ में, मेलबर्न में, जहाँ जहाँ भी, बल्कि मैं कहता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं, मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको ये दावत देता हूँ इस बात की कि आप सब एक साथ इकट्ठे होके तो हम जो इस दुनिया ने हमें दिया है हमें उसको लौटाना चाहिए वापस. और उसकी लौटाने की बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन इसमें एक बात अहम ये है कि वो लोग जो लौटा सकते हैं, वो लोग जो लौटाने का इरादा रखते हैं, उन लोगों को आपस में जुड़ना उनका बहुत जरूरी है, उनका आपस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. इसलिए कि एक मजबूत टीम और हम ख्याल लोग जो हैं वो ही बुनियादी तौर पर ये काम कर सकते हैं. 1 लाख का मजमा जो होता है उनमें से लीडर एक ही होता है. तो इसलिए वो आप जो 99,909 जो लोग हैं आप उनमें से नहीं है. आप यू आर सो फॉर्चुनेट पीपल कि आप दुनिया को लीड करते हैं, दुनिया के ट्रेंड सेट करते हैं, दुनिया से बात करते हैं, दुनिया आपके प्रोग्राम देखती है, आपकी तहरीरें पढ़ती है, आपकी गुफ्तगू सुनती है, आपकी पोस्ट शेयर करते हैं लोग. तो आप बड़े वैल्यूएबल लोग हैं. अपनी वर्थ को पहचाने और जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ मिलके हमें अपनी सोसाइटी किसी भी छोटे से दायरे से अपने आप को शुरू करके उनको लौटाना है हमें. यानी वो उसकी सूरत ये हो सकती है कि जी हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, हमने उनको गुफ्तगू सिखानी है, हमने उनको बातचीत का फन सिखाना है, हमने उनको सेहतमंद जिंदगी का फन सिखाना है. हमें एक बुनियादी तौर पर इससे देखें ये मल्टीफेसेट चीज है. जहां उनकी जाती जिंदगी इससे बेहतर होगी वहां माशरे में भी हुस्न आएगा, वहां खूबसूरत बात करने वाले ज्यादा हो जाएंगे लोग. क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जागृत होगी. जी राणा शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. यू रियली मेड माय डे फ्रॉम अक्रॉस द पॉन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी आर कनेक्टेड. आई एम सो हैप्पी. तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. अगर आप इसको बात कर रहे हैं, इफ यू लाइक इट, आई पुट अ इफ स्टेटमेंट राइट नाउ इनसाइड. इफ यू लाइक इट एंड यू वांट टू कांटेक्ट मी ऑन दिस पेज, देयर इज अ सेंड बॉक्स. इस पे इनबॉक्स भी कहते हैं, सेंड मैसेज भी कहते हैं. राणा साहब ने मैसेज किया तो बात होगी. अब ये ना कहना कि आप जो भी सेंड मैसेज करते हैं सबसे बात कर सकते, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल इवन. ओके, लेकिन वो उसमें उनका जो रिस्पांस होता है जिसमें कहते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, जब आप बताएंगे उसकी फिर कैटेगराइजेशन हो जाती है ऑटोमेटिक. फिर पता चलता है कि इन लोगों से बात करनी है, इनसे नहीं करनी. क्योंकि हर चीज तो आप हर बंदे से प्रैक्टिकली, आप जिसमें गजिलियन लोग आपको वॉच कर रहे हो, आई एम ऑनर्ड कि सारे बात करना चाहते हैं लेकिन सबसे बात नहीं हो सकती. लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस कराएंगे मेरी टीम उसको रिव्यू करती है, तो उसको हायर प्रायोरिटी फ्लैग करती है. फिर जब मेरी नजर में जो ही मोमेंट आई गेट द टाइम आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट एवरी टाइम वेन एवर इट्स पॉसिबल अगेन. अगर मैं किसी वजह से भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर सका तो मुझे माफ कर दीजिएगा. आई एम आस्किंग फॉर काइंड फॉरगिवनेस राइट टू स्टार्ट विद. सिद्दीक साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. और मैं इस बात से भी मुतासर हूँ कि जितने आपको क्विक रिस्पॉन्सेज बाकी तरफ भी होते हैं. और आज भी मैंने देखा कि मैंने आपकी एक चीज शेयर की है अपने पेज के ऊपर और फिर उसके बाद आपका वो फौरन रिस्पॉन्स भी आया. और मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन मैंने जब आपको भेजा है, आपने पूछा है, मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया. मैं भी जरा सा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट आदमी हूँ.
आपने पूछा तो मैंने वो अपना तारुफ करवा दिया, और मुझे खुशी और हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई इस बात की कि जिस शख्स से मैं कनेक्ट होने का तकरीबन 2-2.5 साल से सोच रहा था, उस शख्स ने तो कनेक्ट होने में 1 मिनट नहीं लगाया। So that's the power of asking, क्योंकि you ask for it, you know? इसके लिए आपको एक्शन लेना है, इनबॉक्स करना है पेज पे, फिर देखें फिर क्या होता है। लेट्स सी, अगर किस्मत में बहुत मुलाकात होगी, नहीं तो वर्चुअली तो आप हम आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कमिंग एंड शेयरिंग विद अस टुडे ऑन द बिहाफ ऑफ आवर होल कम्युनिटी एंड माय टीम। वी रियली रियली अप्रिशिएट यू। दिस इज मोहम्मद सिद्दीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, विशिंग यू गुड लक, गुड सेल्स, एंड आई डू हैव पाथ क्रॉस अगेन विद अनदर अमेजिंग गेस्ट। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।